इलाहाबादी गर्ल बबीता राज मैं उठता आप लोग कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए खुश हो गए स्वस्थ हो गए और अपनी लाइफ में मस्त हो गए मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज का वीडियो बहुत ही हाई रिक्वेस्टेड वीडियो है आज के वीडियो में आपको बताऊंगी मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक और इसके टू स्टेप है इसको आपको वीक में टू बार करना है सिर्फ इससे आपकी सारी डेड स्किन तो निकलेगी आपकी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स तुरंत ही निकल जाएंगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिप क्लीन होगी टाइट होगी ब्राइट होगी और साथ ही आपकी स्किन पे एक अलग सी चमक होगी आप किसी फंक्शन में जा रहे हो किसी भी पार्टी में जा रहे हो और आपने फेसियल नहीं कराया या तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल सी लग रही है कोई चमक नहीं है तो बस आप इस दो स्टेप को कर लीजिएगा आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी और एक चमक सी आ जाएगी तो चलिए देख लेते हैं ये टू स्टेप कैसे बनाने हैं इसे कैसे लगाने हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको मेरे वीडियो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड कर नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो बबीता राज के नाम से तो चलो फिर तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मुल्तानी मिट्टी पाउडर लेना है ये देखिए मैंने लिया है और ये आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा और मुल्तानी मिट्टी पाउडर नहीं है छोटी छोटी पीसेस हैं तो उसे आप ग्राइंडर में डाल के पीस उसका पाउडर बना सकते हो मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे तो आप सभी जानते हो स्किन को टाइट भी करता है स्किन को क्लीन भी करता है और डेड स्किन भी निकालता है आज मैं बताऊँगी मुल्तानी मिट्टी से आप स्क्रब कैसे करोगे इसे वीक में टू बार करना है अगर स्किन पर बहुत ज़्यादा डेड स्किन है ब्लैक हेड्स हैं तो आप इसे थ्री बार कीजिएगा इस स्क्रब को तो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी पाउडर मैंने लिया है वन स्पून और हाफ स्पून यहाँ मैंने लिया शुगर पाउडर ये घर की चीनी जो होती है ना उसको पीस के दर दरा पीसना है फाइन सा पाउडर नहीं लेना है और ये हाफ़ स्पून लेना है ये बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है स्किन को हाइड्रेट करता है मॉइस्चराइज भी करता है और साथ ही स्किन पे एक चमक लाता है और सारी डेड स्किन और ब्लैक हेड्स को गायब कर देता है तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो कैसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ऑयल ऐड करना है जो आप फेस पे यूज़ करते हो ठीक है कोकोनट ऑयल हुआ बादाम रोगन ऑयल हुआ जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो तो ऑयल आपको लेना है हाफ़ स्पून बट आपकी स्किन ऑयली है तो आपको यहाँ पे ऑयल यूज नहीं करना है आपकी स्किन ड्राई है तो आपको लेना है अगर आप मुल्तानी मिट्टी का बेनिफिट अपने स्किन के लिए चाहते हो मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे लेना चाहते हो स्किन टाइट हो ब्राइट हो फेयर हो तो आप इस तरह मुल्तानी मिट्टी का स्क्रब यूज कर सकते हो यह आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा और आपकी स्किन पर एक चमक भी लाएगा अब यहाँ पे आपको क्या लेना है आपको लेना है रोज़ वाटर थोड़ा थोड़ा डाल के आपको रोज वाटर डाल के से मिक्स कर लेना है और आपकी स्किन मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो आप यहाँ पे मिल्क ले सकते हो ठीक है कच्चा दूध आप ले करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा तो रोज वाटर के फ़ायदे भी आप लोग जानते हो गुलाब जल हमारी स्किन को स्पॉटलेस बनाता है स्किन को फेयर करता है टोनर का, का काम करता है और इस रेमेडी में आपको थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब ये बहुत अच्छा था थिक सा एक पेस्ट बना लेना है और इस स्क्रब को जब आप करोगे तब आपकी स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है लाइट हो जाती है ब्राइट हो जाती है बहुत ज़्यादा डिप क्लीन होती है तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया तो चलिए मैं इसे आपको लगा करके दिखाती हूँ तो फ़ेस वाश कर लीजिएगा फ़ेस को अच्छे से डिप क्लीन कर लीजिएगा मतलब फ़ेस वाश करने के बाद इस रेमेडी को यूज़ करना है और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं और निकलने का नाम नहीं लेते हैं तो आपको स्टीम लेना है ठीक है भगोने में पानी गर्म करके आपको फाइव मिनट के लिए स्टीम ले लीजिएगा उसके बाद इस रेमेडी को यूज करोगे ना तो आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जड़ से निकल जाएंगे और इसे आपको थ्री मिनट करना है हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा सर्कुलेशन मोशन में कीजिए और जहाँ पे आपके मतलब फोर हेड पे नोज़ के पास चिक एरिया में जहाँ भी ब्लैक हेड्स और रेड स्किन जमा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना है मतलब ठीक है और इसे आप टीन में तो भी यूज़ कर सकते हो गर्ल्स और बॉयज़ हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो तो इसे आप मॉर्निंग में जब भी आपके पास टाइम है तब आप इसे यूज कीजिएगा पार्टी शादी में जा रहे हो तब ये स्क्रब करके देखना ना आपकी स्किन चमकने लगेगी सब आपको देख के कहेंगे वाह क्या स्किन है ठीक है तो यहाँ पर थ्री मिनट हो गए और उसे क्लीन कैसे करना है आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है या वाइप्स लेना है और इसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको क्लीन कर देना है इससे आपकी जो भी डेड स्किन जमा है निकल नहीं रही है बड़ी आसानी से निकल जाएगी ओपन स्पॉट्स के अंदर जो ऑयल होता है वो भी निकल जाएगा जिससे आपके पिंपल्स वहाँ से नहीं निकलेंगे दाग धब्बे भी लाइट होकर गायब हो जाएंगे और जो दूसरा स्टेप है इसमें हम बनाएंगे जादुई मैजिक मास्क जो आपकी स्किन पे तुरंत ही एक चमक लाएगा एक्स्ट्रा चमक लाएगा तो इसके लिए लेना है आपको हाफ स्पून से भी कम मुल्तानी मिट्टी और इसके बाद इसमें जो आपको ऐड करना है वो लेना है चंदन पाउडर अगर आपके पिंपल्स हैं मुहा से हैं चंदन पाउडर हमारी स्किन को हील करता है गर्मियाँ आ रही हैं हमारी स्किन को कूल करता है दाग धब्बों को लाइट करता है स्किन को फेयर करता है तो चंदन पाउडर के फायदे तो आप सभी जानते हो जिसके फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम है पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो ये सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है तो ये भी आपको हाफ स्पून से भी कम लेना है दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस मास्क को बनाने के लिए ना जो इंग्रेडिएंट्स मैं अभी मिक्स करूँगी वो आपकी स्किन पर जादू करेगा ठीक है और इसके बाद हम जो लेंगे कस्तूरी हल्दी हल्दी पाउडर आप चाहो तो इसे लो चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये रंगत को फेयर करता है और स्किन से जो दाग धबे उसे लाइट करता है स्किन की प्रॉब्लम को दूर करता है स्किन के इन्फेक्शन को दूर करता है रेसस हो जाती है ये प्रॉब्लम दूर करता है तो आप इसे लेना चाहते हो तो ठीक है नहीं लेना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा अब यहाँ पर जो मैं ऐड करने जा रही हूँ जो आपकी स्किन पर जादू करने वाला है पार्टी शादी में जाने के पहले तो इसे आप देख के पहचान ही गए होंगे ये ऑरेंज पिल मास्क है जो हमारी स्किन से डेड स्किन तुरंत निकालता है ब्लैक हेड्स को भी निकालता है और इसमें मुल्तानी मिट्टी मिक्स करने के बाद ये डबल जादू करता है तो आप इसे लेना चाहते हो तो ठीक है नहीं लेना चाहते हो तो भी मैं बताऊंगी इसमें आपको क्या ऐड करना है अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो ये आपको एक पैकेट जो होती है ना ये पंद्रह रुपये की आती है एक पैकेट आपको ले लेना है और उसमें डाल के अच्छे से मिक्स करना है ये आपकी स्किन पे जादू करेगा ठीक है मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके जब हम लगाते हैं ना तो मुल्तानी मिट्टी तो हमारे स्किन को टाइट भी करती है और साथ ही मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन से प्रॉब्लम भी दूर करती है फेयर भी करती है जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो जितनी भी डेड स्किन होती है डेड सेल्स होती है जड़ से निकालती है फिर उसके बाद हमारी स्किन इतनी ज़्यादा लाइट ब्राइट हो जाती है कुछ कहने को नहीं बट अगर आपके पास पाउच नहीं है पाउच पंद्रह रुपये का आ जाता है इसलिए सब ले सकते हैं बड़ा वाला है आपके पास जो जो बड़ा पैकेट आता तो है वो क्वान्टिटी आपके ऊपर अगर आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने यहाँ एक पाउच लिया टू पाउच भी ले सकते हो ठीक है मेरे फेस पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं है इसलिए मैंने वन पाउच लिया है अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा है तो आपको दो पाउच लेना है मतलब आपको वन स्पून एक बड़ा स्पून लेना है और मिक्सिंग बहुत अच्छे से करना है ठीक है और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो ऐड करना है एलोवेरा जेल ऐड करना है क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब थिक सा लग रहा है तो आपको एलोवेरा जेल ऐड करना है और इसे मिक्स कीजिएगा और मिक्स करने के बाद इसे जब लगाओगे ना तो डायमंड फेशियल गोल्ड फेशियल जो भी फेशियल आप महंगे महंगे कराते हो ना उसे कराना भूल जाओगे क्योंकि तो इसके रिजल्ट ही इतने अच्छे होते हैं तो इस तरह आप ऑरेंज पिल मास्क और क्या बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके लगा के देखो एक बार मेरे कहने पर लगा के देखिए ठीक है तो चलिए इसे लगाते कैसे हैं आपको इसे ब्रश से नहीं लगाना आपको अपने फिंगर से अपनी उंगलियों से ही लगाना है और जैसे आप पिल मास्क लगाते हो ना वो ब्रश से वो काम नहीं करता है जब तक आप फिंगर से नहीं लगाओगे आपकी स्किन पे अच्छे से चिपकेगा नहीं ठीक है पूरे फेस पे नेक पे और चाहो लगाना चाहो तो लगा सकते हो नोज़ पे लगाइएगा जहाँ आपके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ लगाइएगा और बहुत मोटी लेयर आपको नहीं लगाना कि आप सोचो बहुत मोटी लेयर लगाएंगे तो जड़ से निकलेगा ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल इक्वल लगाइएगा जैसे मैंने लगाया है अब इसे सूखने देते हैं ठीक है तो सूखने में जितना भी टाइम लगे तीस मिनट लगे पच्चीस मिनट लगे आपको सेब बहुत अच्छे से सूखने देना है मेरा बहुत अच्छे से सूखा नहीं है क्योंकि बीच बीच में मेरा बच्चा जो आके मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था तो मैं इसे हटा के दिखाती हूँ इसे हटाना कैसे जैसे आप पिल मास्क हटाते हो सेम आपको वैसे इसे हटा देना है और इसे हटाती आपकी स्किन अंदर से इतनी ज़्यादा क्लीन दिखती है कि कुछ कहने को ही नहीं अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा कि और लोग भी पता चले कि इस तरह मुल्तानी मिट्टी हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही फ़ायदे मिलते हैं ठीक है तो अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते हो ऑरेंज पिल मास्क आपके पास नहीं है आप यूज नहीं करते हो और आपकी मतलब स्किन को सूट नहीं करता है तो आपको यहाँ पे एक बड़ा स्पून हनी जो शहद होता है ना उसे मिक्स करके आपको बनाना है ये मास्क ठीक है बता दिया ना तो इसे मैं हटा लेती हूँ और हटाने के बाद इसे आपको नॉर्मल पानी से ठंडे पानी से फेस को क्लीन करना है ठीक है और उसके बाद मैं बताऊंगी इसमें को आपको लगाना क्या है ठीक है तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से हटा के नॉर्मल पानी से फेस को क्लीन कर दिया स्किन एक डायमंड जो चमक होती है ना वो फेस पर चमक आ गई है और इसके बाद आपको लेना है कोई भी ऑयल ले सकते हो क्योंकि स्किन ड्राई थोड़ी सी हो जाती है तो जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो वो लोगे और थोड़ा सा एलोवेरा जेल लोगे दोनों मिक्स करोगे फेस पे मसाज करोगे चलती हूँ फिर मिलती हूँ